जियो टावर कैसे लगाएं, जियो टावर के लिए कैसे अप्लाई करें। ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे चैनल पे कितने कमेंटों में पूछा गया है और हम सभी की डिज़ायर होती है कि जियो का टावर अगर हम लगा पाएँ, उससे कमा पाएँ तो कितना अच्छा होगा। लेकिन हम सभी को पता है कि जियो के नाम पर तमाम फेक कंपनियाँ हैं। लेकिन आपको इन 2 सालों में बिल्कुल भरोसा हुआ होगा कि अगर हम अपने चैनल पर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो पूरी तरह सही होगी। हम अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो काफ़ी अच्छी खुशखबरी है आपके लिए, गुड न्यूज़ है कि जियो के आप टावर को लगवा सकते हैं उनकी ऑफिशियली वेबसाइट के द्वारा। तो जो भी बताने वाला हूँ, जियो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके द्वारा बताने वाला हूँ, ए टू जेड सब बताऊँगा। आप अपने मोबाइल के द्वारा, आप अपने पीसी के द्वारा जियो के टावर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें कोई भी 1 सिंगल रुपीज़ आपका नहीं लगने जा रहा है। तो जो भी वेबसाइट आपसे ये कह रही है कि कोई चार्ज लगता है, वो सारी गलत हैं। स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा कि कैसे आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप कुछ ही मिनटों में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप गाँव में हैं, शहर में हैं, कस्बे में हैं, या आप कहीं फ्लैट में रह रहे हैं और फ्लैट की आपके पास छत है, तो आप वहाँ भी जियो का टावर लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष, आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु जी। चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं हमारा पहला यूट्यूब चैनल है बिजनेस गुरु जी, उस पर देख रहे हैं। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन मनी को लेके एक दूसरा चैनल है मनीष कुमार के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्दी उस पर बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं कि कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। उस YouTube चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में कि कैसे आप जियो का टावर लगवा सकते हैं। इससे पहले कुछ बेसिक बातें बता दूँ जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बात आपको आगे भी आपके साथ होने वाले कई फ्रॉड से बचा पाएगी। अक्सर होता क्या है, जो आम इंसान है वो क्या समझता है, किसी भी वेबसाइट के आगे जियो लग गया तो वो जियो की हो गई, किसी भी वेबसाइट के आगे अगर एयरटेल लग गया तो वो एयरटेल की हो गई। जबकि दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जैसे जियो की ऑफिशियल वेबसाइट है www.jio.com, इसके अलावा जियो टावर, जियो रिलायंस टावर, रिलायंस टावर, ठीक है, आपका अपना रिलायंस, न जाने कितनी सारी आप देखेंगे मिलते जुलते नामों की वेबसाइट आ जाएंगी। तो केवल जियो के नाम लगने से कोई भी फेक वेबसाइट सही नहीं हो जाती, और जो आम इंसान है इन नामों से चक्कर में पड़ जाता है और लालच के चक्कर में, क्योंकि उसने विज्ञापन देखे हैं कि टावर आपके यहाँ लगाएंगे, 1% को नौकरी देंगे, उसको 30,000 सैलरी देंगे, 50,000 आपके टावर के देंगे, 20,00,000 आपको कैश देंगे, और आप फंस जाते हैं उसकी बातों में। तो पहली बात आप समझ लीजिए, मिलते जुलते नामों से आपको सावधान रहना है। इस टाइप के ऐड अगर वेबसाइट पर निकल रहे हैं, कहीं आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो वो सही नहीं है। दूसरा तरीका ये है, आप थोड़ा सा लालची मत बनिए। आप खुद सोचिए, कोई भी कंपनी है, एक तो आपके यहाँ टावर लगाएगी, आपकी जगह को लेगी, ऊपर से वो आपसे क्यों चार्ज लेगी, प्रोसेसिंग फीस हो गई और कोई फीस हो गई। जो मैं आज तरीका बताने वाला हूँ उसमें आप देखेंगे कि कंपनी आपसे 1 रुपया नहीं ले रही किसी भी तरह के फीस के नाम पर, न प्रोसेसिंग फीस के नाम पर, न किसी भी तरह के फीस के नाम पर। तो इस टाइप की फीस के चक्कर में मत पड़िए और न किसी मीडिएटर के चक्कर में पड़िए। कंपनी को अगर रिक्वायरमेंट है तो आपके यहाँ देगी, रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक नहीं, आप 10 मीडिएटर के चक्कर में पड़े, आप केवल पैसा ही खराब करेंगे। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको हर एक कंपनी के टावर में आपको ध्यान रखनी है, कि केवल मिलते जुलते नामों के चक्कर में आप अपना पैसा न फंसाएं। इसके अलावा हम अपने चैनल पर हमेशा ही कोशिश करते हैं पूरी रिसर्च के साथ जो भी इंफॉर्मेशन आए पूरी तरह सही हो, तो आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं। और दोस्तों, बात करें डॉक्यूमेंट की, तो इसमें बेसिकली जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी ज़मीन की या जो आपका फ्लैट है उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, और आपके पास एक बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऐसी बिल्डिंग में रह रहे हैं जिसमें और भी फ्लैट हैं, तो आपको हो सकता है वहाँ आपको NOC भी लेनी पड़े। तो कुछ एडिशनल आपको जो डिटेल है आपकी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ सकती है, वो जब कंपनी के पर्सन आपके पास विजिट करने आएंगे तो वो और आपको डिटेल बता देंगे। बेसिकली सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है,
ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कंपनी के पर्सन आपके पास आएंगे। दूसरा, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है कोई भी पर्सन आता है आपसे ऑफिशियली कोई भी चार्ज नहीं करने वाला, यानी आपका कोई भी सिंगल रुपीज इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, कोई भी आए तो आपको ध्यान रखना है उसको कोई पैसे नहीं देने। अगर वो पैसे मांग रहा है तो वो फेक पर्सन है, गलत पर्सन है, या आप एक गलत वेबसाइट पे आपने अप्लाई किया हुआ है। अब बात करते हैं कि जियो का टावर के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो सिस्टम में चलता हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से सीधे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो आपको वहाँ से आसानी होगी, आप सीधे उस पर क्लिक करिए, आप जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सिस्टम पर चलते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों टावर के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली दो तरह के टावर जियो लगाती है। एक स्मॉल टावर होते हैं, एक बिग टावर होते हैं, यानी बड़े टावर होते हैं। जो स्मॉल टावर हैं उनका रेंट सीधी सी बात है कम होगा, और जो बड़े टावर होते हैं उनका रेंट अधिक होता है। रेंट कितना होगा ये आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो आप मान के चलिए अगर छोटा टावर है, आपको नॉर्मली जो मिलते हैं जितना मुझे जानकारी है वो 3,000 से लेके 5,000 रुपये तक मिलते हैं। दोस्तों आप गूगल में टाइप करिए jio.com, ये आप देखिए जैसे मैंने बोला www.jio.com जियो की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पे आइए, गूगल पे टाइप करिए और जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। जियो फाइबर पे आपको नहीं जाना, और इस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, आप देखेंगे इस पे इनके बहुत सारे प्लान हैं, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप इस पे नीचे आइए, जैसा मैंने बोला कि 100% सही इन्फॉर्मेशन दूंगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा दूंगा। अब नीचे आएंगे तो नीचे ऑप्शन देख रहे हैं आप, जियो नेटवर्क पार्टनर, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे पार्टनर विद जियो टू मेक द नेटवर्क स्ट्रॉन्गर, इस पे आप आएंगे। तो पहला ऑप्शन है आपके पास कोई लैंड है, कोई प्लॉट है, और दूसरा आपके पास बिल्डिंग है। लैंड या प्लॉट, अगर आप किसी ग्रामीण एरिया में आपके पास लैंड है यानी खेत वगैरह या प्लॉट है तो आप वहाँ ले सकते हैं। महानगरों में भी आपके पास लैंड या प्लॉट है तो वहाँ ले सकते हैं। दूसरा किसी बिल्डिंग पर लेना है तो वहाँ ले सकते हैं। तो मैं इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लेता हूँ और इसको प्रोसेस करेंगे। तो अब इसमें लोकेशन आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इसमें इसको मूव करिए और लोकेशन को आप जहाँ चाहें वहाँ आप छोड़ सकते हैं। तो पहला तो आपका ऑप्शन ये हो गया। दूसरा है आप यहाँ अपना पिन कोड डालिए। जब आप ये ऐसे डालेंगे तब भी आपकी लोकेशन आ जाएगी। अगर आप उस तरह अपनी लोकेशन को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप अपना पिन कोड डालिए। मैं रेंडमली डालता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। अब आप ये देखिए, जैसे ही मैंने पिन कोड डाला है लोकेशन आ गई है। मैं रेंडमली कुछ भी डाल देता हूँ और उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है। मोबाइल नंबर पर OTP आएगा तो मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। जब आप OTP डाल देंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, देखेंगे वहाँ आ रहा है कि आप प्रॉपर्टी ओनर हैं या अदर हैं। जो भी आप हैं वो आप डाल दीजिए। अदर हैं मान लीजिए आपके फैमिली के नाम है, आपके फादर के नाम है, मदर के नाम है, तो आप फैमिली मेम्बर चॉइस कर सकते हैं। यहाँ उनका फुल नेम और कॉन्टेक्ट नंबर डालिए। आपका है तो यहाँ अपना डाल सकते हैं, यहाँ फुल नेम डालिए। यानी अगर आप फैमिली के किसी पर्सन के साथ रह रहे हैं, मॉम के, डैड के, या किसी और के साथ, तो भी आप ये ले सकते हैं, उनके नाम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप फ्लैट नंबर जो भी है वो आप डालेंगे, बिल्डिंग नंबर डालेंगे, एरिया डालेंगे, टाउन डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और लैंडमार्क आप अपना डाल देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। अब आगे आएंगे तो आप देखेंगे नंबर ऑफ फ्लोर चॉइस। आप कुछ याद होगा हमने फ्लोर के लिए ये फॉर्म अप्लाई किया था, तो कितनी फ्लोर हैं, 3 है तो 3 डाल दीजिए, 4 है तो 4 डाल दीजिए, 5 है तो जो भी हैं वो आप डाल दीजिए। बिल्डिंग आपका कितनी पुरानी है वो आप डाल सकते हैं। आपके जो बिल्डिंग है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वहाँ कोई और टावर है कि नहीं वो भी आप कर सकते हैं, यस या नो। दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे ऊपर मेंशन होगा प्रॉपर्टी डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा। आपकी जो लोकेशन होगी वो यहाँ नीचे मेंशन होगी। नीचे आप देखेंगे तो कंपनी डिक्लेयर भी कर रही है कि अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके यहाँ टावर लगेगा या इंस्टॉलेशन होगा। ये पूरी तरह डिपेंड करता है कंपनी के रिक्वायरमेंट पे। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ फ्रॉड पर्संस।
अगर वो आपसे कैश मांग रहे हैं, कोई चार्ज मांग रहे हैं, कोई फीस मांग रहे हैं, तो वो गलत पर्सन है। टावर की सिक्योरिटी के नाम पे, डिपॉजिट के नाम पे या रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे, तो क्लियर हो जाइए कंपनी आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रही है। तो ये आप देखिए काफ़ी इजी प्रोसेस है और जो भी बताया मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा बताया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, देख सकते शेयर करिए और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।